जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 7th के जियोग्राफी एनसीईआरटी के बारे में। तो पहला चैप्टर है पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है आइए देखते हैं। तो लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उसके खेलने का वहाँ पर एक साधन था। लोगों को बताया कि अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत ही उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं। शिक्षक ने बताया, आपके चारों तरफ जो भी दिख रहा है सब पर्यावरण है। ग्रीन हो, सूखा हो, कंक्रीट के मैदान हो, कंक्रीट के जंगल हो, या फिर पेड़ों के जंगल हो, सब पर्यावरण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पर्यावरण, इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन हुआ है ये हम देख सकते हैं कि कार का धुआं जो है वो प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, वो प्रदूषित होता है। भोजन को बर्तनों से परोसा जाता है और भूमि के कारखानों का निर्माण होता है। जब भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है तो भूमि प्रदूषित होती है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्रकृति में निरंतर परिवर्तन कर रहा है। तो आपने ये छोटी सी देखी है कि शिक्षक ने कहा कि कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए कि अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर इस पर चर्चा करें, सूची बनाएं। चलिए सूची बनाइए। वैसे हम ये आपको इम्पोर्टेंट समझाते हैं कि एक्चुअली में इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें, तो ये देखिए पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के घटक दो हैं, एक तो प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में क्या क्या है, तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सजीव मंडल। सजीव मंडल यानी कि जहाँ पे पानी, वायु, भूमि, पेड़ पौधे सब एक साथ हो। जल मंडल यानी कि जहाँ पानी हो, वायुमंडल यानी केवल हवा हो, स्थल मंडल यहाँ पे जहाँ पे मतलब स्थल हो। अब मानव निर्मित क्या क्या है, तो मानव निर्मित है पार्क, जंगल की जगह पे पार्क बना दिए हमने। इमारतें, जहाँ पे पहले प्राकृतिक पहाड़ या फिर गुफाएँ होती थी वहाँ हमने इमारतें बना दी। पुल, जहाँ पे आने जाने के रास्ते नहीं थे, नदियाँ थी, नदियों के ऊपर लंबे लंबे पुल बना दिए। सड़क, सड़क पहले प्राकृतिक थी, मतलब मिट्टी वाली थी, हमने अच्छा बना दिया, पहले कंक्रीट का बनाया, अब तो हम प्लास्टिक का भी बना रहे। उद्योग, उद्योग धंधे हम लगाए, तो उद्योग धंधे लगाने से पूरा पर्यावरण ही नष्ट होता है। पहले तो आप ज़मीन को पथरीली कर रहे हैं, पानी ख़त्म कर रहे हैं, वायुमंडल में धुआं छोड़ रहे हैं, उसके बाद आप अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब जो गैस है वो नुकसानदायक है, पानी के लिए जो वेस्टेज निकल रहा है वो भी नुकसानदायक है। स्मारक, स्मारक मानव ने बनाए। स्मारक का क्या है, तो स्मारक मानव अपनी संस्कृति को और अपनी किए गए कार्यों को अनंत काल तक रखने की इच्छा से स्मारक बनाता है। मानव, मानव क्या है, तो मानव एक व्यक्ति है, परिवार है, पहले आप हैं, फिर परिवार, फिर समुदाय बनेगा, फिर धर्म बनेगा, फिर शैक्षिक संस्थाएं हैं, आर्थिक भवन बनेंगे, फिर राजनीतिक स्थिति यानी कि आप किस देश में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, किस जिले में रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, वोट का अधिकार है, क्या अधिकार है, मूल अधिकार है, वो सब चीज़ें। चलिए अब क्या है, जीवीय और अजीवीय। सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप, जंतु, वो जीवी है। निर्जीव स्थान जैसे स्थल, रोबोट, ये सब निर्जीव है। रोबोट मनुष्य की तरह काम कर सकता है लेकिन वो जीवी नहीं है, अजीवी है। चलिए नीचे समझते हैं। शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस।
यानी आपके पड़ोस में जो है वही पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों को जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों का खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न प्राकृतिक स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह में पाई जाती हैं। महासागर की सतह में कैसे पाई जाती हैं पहाड़ पठार, तो आइए देखते हैं। तो इसको पहले देखिए, ये स्थल मंडल है जो घर है, ये जैव मंडल है, और ये वायुमंडल है, और ये जल मंडल है, ठीक। तो आपने सुना होगा कि समुद्र में मरियाना गर्त, मरियाना गर्त का मतलब हुआ खाई, सबसे ज़्यादा गहरी, और अटलांटिक महासागर में पहाड़ पाए जाते हैं बीच में। मैप में हम आपको कभी दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या है। जल क्षेत्र किसे कहते हैं, जल मंडल कहते हैं, या विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि की विशालकाय जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पतली परत है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखा है। थामे रखा है यानी पकड़ के रखा है। गुरुत्वाकर्षण है यानी गुरुत्व आकर्षण, खींचने की क्षमता है, वो हवा को भी अपने से बांध के रखा है। यह हवा को कैसे बांध के रखा है, अगर आपके सवाल है तो हम आपको एग्जांपल देते हैं। जब आपके बगल से कोई बड़ी गाड़ी जाए तो आपको हवा का झोंका लगता है, यानी वो गाड़ी कुछ गुरुत्वाकर्षण बल जो उस गाड़ी में वेग के साथ उसमें जो बल आया है वो कुछ हवा को अपने साथ खींचे लेके जा रही है। इसीलिए जब आप स्थिर कहीं खड़े हैं, आपके बगल से कोई बड़ी गाड़ी निकले तो आपको हवा का झोंका लगेगा, तो वो वैसे ही समझ लीजिए। यह सूर्य को सुलझाने वाली, झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इनमें कई प्रकार की गैसें, धूल, कण, वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है, सवाल पूछेगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। परितंत्र हमेशा पूछता है, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे, परितंत्र सवाल जरूर आएगा, चाहे UPSC ही दे। परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। जैसे एक शब्द सुनेंगे आप, रामेश्वर साइट, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्थल, जल, मतलब दलदली भूमि टाइप, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ लगभग कंप्लीट होता है। चलिए अब रवि की कक्षा से देख लेते हैं। रवि कक्षा में एक NCC कैंप में JC ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार बारिश वर्षा हो रही है। इससे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य पूछा, हमारे यहाँ बारिश तो होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ये एक ताल का पारितंत्र है। आपने यहाँ ऊपर पढ़ा कि पारितंत्र क्या है, तो आप उसका यहाँ पे डेफिनेशन जो आपने पढ़ा है तो यहाँ देख लीजिए। अब एक चीज़ देखिए, इसमें स्थल है, घासें हैं, यह हो गया स्थल का। जल है, उसमें फूल है, ठीक। फिर बत्तख है जो जल और उभयचर है। उधर पेड़ हैं, पौधे हैं, और गाय हैं और हिरण है। तो ये परितंत्र हो गया, कंप्लीट हो रहा है शायद। एक शब्द है वास्तु विनिमय पद्धति। एक वस्तु की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। जैसे गांव में क्या होता था पहले, अब तो गांव में भी खत्म हो गया, कि आप हमें धान दीजिए हम आप गेहूं दे देंगे, चावल नहीं होता। या फिर तरबूजे खरबूजे के दिनों में जब तरबूजे खरबूजे बेचने आते थे तो
वो बोलते थे कि आप हमें गेहूँ दीजिए, जितना गेहूँ रहेगा ठीक उसके बराबर हम तरबूजे खरबूजे दे देंगे आपको। तो वो विनिमय तो हो रहा है, क्योंकि वो आपके घर से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से अपना तरबूजा लेके आया है बेचने, परंतु वो आपके बदले में पैसे नहीं ले रहा है, गेहूँ और धान ले रहा है, तो वो वस्तु विनिमय हो गया। आइए मानवीय पर्यावरण देखते हैं। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था, आसपास के प्राकृतिक उसकी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएँ बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं परिवर्तन करने की तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, तभी से वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। जब आपको अपने खाने से अधिक वस्तु होगा तो आप या तो फेंकेंगे, दूसरे को देंगे, गाय को जानवर को खिलाएंगे, फिर आप उसी को व्यापार के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने बड़े बड़े पैमानों पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से हुआ। सूचना क्रांति में विश्व के संचार सहज और द्रुत हो गया। आप संचार के माध्यम से ही ये वीडियो YouTube पे देख के पढ़ ले रहे हैं, नहीं तो आपको कोई पढ़ाने वाला चाहिए था जो बैठता आपको सिखाता, उसमें टाइम लगता, लेकिन आप अपने भी एक मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो YouTube पर देख ले रहे हैं। चलिए, हाँ यहाँ पर देखिए तरबूजा वाला दिया भी है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी की रसीली तरबूजे एवं सर्दी की भुनी हुई मूँगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने में उसका उपयोग सीखना चाहिए। जैसे यदि आप बहुत ज़्यादा तेल यानी आलू का पराठा गर्मी के मौसम में खाते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपका लीवर बोल रहा है कि आप पानी वाला चीज़ खाइए, अभी आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है और आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। यदि आप ठंडी के मौसम में तरबूजा खाएंगे तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, क्योंकि उस समय लीवर बोल रहा है कि आप फैटी चीज़ खाइए, हैवी खाइए, वसा खाइए, तो उस समय आपको आलू का पराठा ही खाना। तो ये है पर्यावरण, मतलब जलवायु, उसको जलवायु बोलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र हमने आपको ऊपर ही बताया है कि पारितंत्र वह है जहाँ पे स्थल, जल और वायु तीनों, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ एवं पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा के पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होता है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण वो पर्यावरण है जो मानव का, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, जैसे पर्वत, नदी, झील, झरने, गुफा, जंगल इत्यादि। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो प्रमुख घटक दो हैं, मानव निर्मित, प्राकृतिक। प्राकृतिक में है जल, स्थल, वायु, उभयचर। मानव में है पार्क हो गया आपका, मकानें हो गई, आपके द्वारा बनाए गए फैक्ट्रियां हो गई। मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए। तो चार उदाहरण हो गए आपके मकान, पार्क, आपके द्वारा बनाए गए फैक्ट्रियां, आपके द्वारा बनाए गए अलग अलग पुल, आपके द्वारा बनाया गया ट्रांसपोर्टेशन का कार्य, जैसे मतलब यातायात यानी कि रोड, रेल, ये सब। स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल यानी कि पृथ्वी, जिस पे मानव की सभी क्रियाएं निर्मित होती हैं। जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन से? तो जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं पेड़ पौधे, मानव। जैवमंडल क्या है? तो जैवमंडल जहाँ सभी जीव एक साथ रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, वो जैवमंडल है। इसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? अब इसमें देखिए कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो ताल जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, उसका कारण है ताल आप बनाते हैं, प्राकृतिक भी हो सकता है लेकिन वो मतलब मैनुअली भी आप बना सकते हैं ताल। आप वन मैनुअली नहीं बना सकते, आप बगीचा बना सकते हैं, कुछ गांव तक पेड़ लगा सकते हैं, पूरा कई हज़ार किलोमीटर में वन नहीं बना सकते। मरुस्थल आप नहीं बना सकते, हालांकि बना सकते हैं अब तो फैक्ट्री लगा के, लेकिन फिर भी उस पैमाने पे नहीं बना सकते। इसमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं?
मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए। तो मानवीय पर्यावरण में स्थल, स्थल वो प्राकृतिक है, धर्म समुदाय मानव द्वारा बनाए गए। इसमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? सड़क। आइए देखते हैं, इसमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, फसल वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में अष्टम्भों को मिलाकर सही जोड़ा बनाइए। जैवमंडल, तो जैवमंडल यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पे जीवों का परिवेश, जीवों और उनके बीच का परिवेश। वायुमंडल, वायुमंडल यानी कि पृथ्वी को घेरने वाला वायु का चादर। पहला जलमंडल, जलमंडल यानी कि जलीय क्षेत्र। पर्यावरण, पर्यावरण में कई चीज़ें आ जाएंगी। वह संकेत क्षेत्र जहाँ स्थल एवं जलवायु परस्पर क्रिया करते हैं। नहीं, हुआ हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण। कारण बताइए। मानव को अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं क्योंकि अपनी क्या बोलते हैं, फूड चैन यानी कि खाद्य श्रृंखला को चलाने के लिए मानव या फिर जीव जंतु पौधों पर निर्भर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा चैप्टर का पढ़ेंगे। बाकी यदि आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।